हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम आईआईटी वरंगल। फंक्शन में हमारा लास्ट टॉपिक था ऑड एंड इवन फंक्शंस, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके पहले हमने मैपिंग कंप्लीट कर लिया था एंड उसके पहले हमने क्या कर लिया था, डोमेन एंड रेंज। तो अभी तक हमारा फंक्शन लगभग 60-70% कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा और बचा है। और ये जो भी बचा है बहुत आसान है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट क्लास भी बहुत आसान थी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कौन सा फंक्शन किया था, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, वो बहुत आसान है। और मैंने इतना लगभग कर दिया था कि आपका सवाल छूटेगा नहीं, मैंने हर टाइप के सवाल कहीं ना कहीं आराम से मतलब करा दिए थे। और अगर आपने उनको अच्छे से किया होगा तो डेफिनेटली अब आप क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे गारंटीड बनेंगे। ठीक है सर, आज क्या करेंगे सर, आज भी हम एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। ये भी वही लास्ट लेक्चर जैसे नन्ना मुन्ना लेक्चर है, सिंपल सा फंक्शन है, बहुत आसान है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। तो आज हम किस पे काम करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन पे काम करेंगे। किस पे काम करने जा रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन। ये भी आसान है, इसका भी यूज आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में या नए नए जो भी हम ग्राफ्स बनाएंगे या जो भी चैप्टर्स आगे कैलकुलस का होगा उसमें कहीं ना कहीं इसका भरपूर इस्तेमाल होगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। ये लेक्चर भी थोड़ा लेंथी जा सकता है, अगर जैसे ही पढ़ाने लग रहा हूँ मैं, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि दो लेक्चर की रिक्वायरमेंट, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा छोटे छोटे में, या मैं इसको एक घंटा थोड़ा समथिंग पढ़ा के एक में कंप्लीट कर दूंगा, ताकि अपने नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा ना बढ़ जाए ना, नहीं तो पता चल 100 लेक्चर्स हो गए, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बचा है, मतलब मेरा टारगेट है कि इसको मैं 45 लेक्चर के अंदर में इस फंक्शन को कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, इसलिए लेक्चर्स लेंदी हो रहे हैं ना। तो आप इसको क्या करना, 30 मिनट्स के देखना और फिर रेस कर लेना, थोड़ा कॉपी रिवाइज करना, फिर आपने 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट कर देना वापस। ठीक है, अगर आपको लेंथी लगे तो, है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि हमने मेनी वन फंक्शन पढ़ा है ना, हमने मेनी वन फंक्शन पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है ना, आपने अगर स्टार्टिंग से फॉलो किया तो आपने भी पढ़ा है। हमने मेनी वन फंक्शन पढ़ा था और वहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि मेनी वन फंक्शन कब होता था, कि जब दो नंबर्स, मेनी वन फंक्शन कब होता था, जब दो अलग अलग एक्स पर क्या आ जाए, सेम वाई आ जाए, तो उसको क्या बोलते थे हम, मेनी वन फंक्शंस। क्या बोलते थे, मेनी वन फंक्शंस। और अगर दो अलग अलग एक्स पर दो अलग अलग वाई आए, जितने भी एक्स हैं उन पर अगर अलग अलग वाई आए, तो वो कैसा फंक्शन होता था, वन वन होता था, है ना, वन वन होता था। सर ये तो आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं और आप तो वन वन मेनी वन की बात करने लग गए। नहीं, ये इसी से रिलेटेड है, समझना काम की बात। जैसे साइन एक्स कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। क्या रीज़न है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक से ज़्यादा जगह कट होगी। एक और रीज़न क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स जीरो पर कितना देता है, जीरो। पाई पर भी क्या देता है, जीरो। टू पाई पर भी क्या देता है, जीरो। थ्री पाई पर भी क्या देता है, जीरो। तो इतनी सारी वैल्यूज पर आंसर क्या आ रहा है, उसका सेम आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है उसका, सेम आ रहा है। मतलब हो क्या रहा है, साइन एक्स ग्राफ क्या आ रहा है, सेम टाइप का बन रहा है, सेम टाइप का बन रहा है। मतलब क्या, कुछ इंटरवल के बाद सेम वैल्यू दे रहा है, जीरो पर जीरो दे रहा है, फिर पाई पर क्या दे रहा है, जीरो, फिर टू पाई पर भी क्या दे रहा है, जीरो, थ्री पाई पर क्या दे रहा है, जीरो। मतलब कुछ फिक्स इंटरवल पर वैल्यू क्या देना दे रहा है, रिपीट वैल्यू दे रहा है, रिपीट आउटपुट दे रहा है। जैसे पाई बाई टू पर कितना दे रहा है, वन। उसके बाद आई थिंक 5π/2 पर कितना दे रहा है, वन। फिर 9π/2 पर कितना दे रहा है, वन। तो ये रिपीट वैल्यू दे रहा है आफ्टर सम इंटरवल, है ना। ये रिपीट होना ही पीरियड कहलाएगा। ये जो रिपीट होना ही क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। अब मैं समझाऊंगा आराम से, अपन बहुत अच्छे से काम करेंगे। थोड़ा 5-10 मिनट पेशेंस रखना कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है। मैं सब तरीके से, जैसे मैंने कल क्या बताया था, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, मैथमेटिकली भी बताया था, ग्राफिकली भी बताया था, आज भी मैं मैथमेटिकली भी बताऊंगा, फिर ग्राफिकली भी बताऊंगा, फिर उसके जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है उनको मैंने टाइप में डिवाइड करके रख दिया है, और आपको बड़े प्यार से समझ में आएगा। बस आपको पेशेंस से आराम से नोट करते हुए समझते आराम से देखना है। ठीक है सर, तो पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेट टू बी पीरियडिक फंक्शन, इज सेट टू बी पीरियडिक फंक्शन। कोई सा फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स पीरियडिक फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो x प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल x, और t कैसा नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर से, t कैसा नंबर है, पॉजिटिव। अगर वो फंक्शन x प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो कंडीशन होगी ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन। कैसा होगा हमारा, पीरियोडिक फंक्शन। सर ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हमें भी नहीं आया था, आपको भी कहाँ से आ जाएगा ना, पीरियोडिक फंक्शन विथ, जहाँ पर ये जो t है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ये जो t कहलाएगा, ये उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। t क्या कहलाएगा उसका,
फंडामेंटल क्या कहलाएगा? पीरियड। तो टी कौन होगा? उसका पीरियड कहलाएगा ना। सर ये क्या बात है? तो अगर एक्स को एक्स प्लस टी से रिप्लेस करने पर वापस वो एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या कहलाएगा? पीरियडिक फंक्शन। ऐसे टी के लिए, ऐसे टी के लिए अपना अपन ने कोई सा एक नंबर लिया जिसको एक्स को एक्स माइनस टी नहीं एक्स प्लस टी से रिप्लेस किया और अगर वापस एफ ऑफ एक्स दे दे तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? पीरियडिक फंक्शन। विथ उसका जो जिससे रिप्लेस किया छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर टी, वो जो टी कहलाएगा उसका क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा। अच्छा सर कैसे? जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? साइन एक्स है, समझना है ना। तो साइन एक्स को मैं एक्स प्लस क्या रिप्लेस करूं कि वापस कौन आ जाए? मेरा एफ एक्स आ जाए, मतलब कौन आ जाए? मेरा साइन एक्स आ जाए। तो अगर आपने टी जीरो रख दिया तो साइन एक्स प्लस जीरो कितना आएगा? साइन एक्स, और साइन एक्स बराबर साइन एक्स। पर मैंने क्या बोला कि टी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ऐसा सबसे पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर जो इस कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई, है ना। टी स्मॉलेस्ट होगा, है ना। तो टी जीरो ले नहीं सकता मैं ना। अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं? अगर मैं यहां पर वन रखता हूं तो साइन एक्स प्लस वन तो भयानक आएगा, साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, दूर दूर तक साइन एक्स के बराबर नहीं आएगा। अगर आपने टी को पाई बाई फोर से रिप्लेस कर दिया, समझना है ना। आराम से करेंगे इसको आज, हम बहुत आराम से करेंगे, हुआ तो दो लेक्चर में ब्रेक कर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। पहले पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन समझो। सर कुछ भी समझ में नहीं आया? अरे नहीं आएगा, 5-10 मिनट पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको। अगर कोई सा फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पीरियडिक फंक्शन कब कहलाएगा? जब वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू बी एफ ऑफ एक्स इस कंडीशन को होल्ड करे फॉर ऑल, मतलब सारे एक्स के लिए, एंड क्या होना चाहिए? जो भी डोमेन के हैं, और ये जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा और जो स्मॉलेस्ट टी ऐसा मिल जाएगा तो टी उसका क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पीरियड। अगर ऐसा होल्ड ना करे मतलब आपको टी मिला ही नहीं, मतलब टी नहीं मिला मतलब वो उसका है पीरियडिक फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो मैं बात करूंगा। तो जैसे मैंने एक पहला एग्जांपल लिया वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो एक्स प्लस टी, टी मुझे ऐसा पुट करना है कि वापस मुझे कौन दे दे? साइन एक्स दे दे। तो क्या साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर से रिप्लेस किया तो मुझे साइन एक्स मिलेगा? आफत आ जाएगी, साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, दूर दूर तक साइन एक्स नहीं आएगा वापस। तो मेरे पास रिप्लेस करने के लिए क्या है? मेरे पास ये ऐसे यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर पाई बाई टू है, यहाँ पर कौन है? पाई है, है ना, यहाँ पर टू पाई है। तो मैंने क्या पाई बाई फोर से रिप्लेस किया 45 डिग्री से, तो काम नहीं जमा। मैंने किससे रिप्लेस किया? पाई बाई टू से। तो अगर मैं इसको पाई बाई टू से रिप्लेस करता हूँ तो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू कितना आएगा? साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे साइन चेंज होता था मतलब क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। और 90 प्लस पे कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड, और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का आ जाएगा कॉस एक्स। इतना आप जानते होंगे कि साइन 90 प्लस थीटा कितना कॉस एक्स। अच्छा तो साइन एक्स प्लस टी, तो टी कितना रिप्लेस किया आपने? टी कितना रिप्लेस किया इस बार? टी कितना रिप्लेस किया? पाई बाई टू। तो पाई बाई टू से रिप्लेस करने पर साइन एक्स नहीं आ रहा, कॉस एक्स आ रहा। मैंने ऐसा कहा बोला कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी को रिप्लेस करने पर जी एक्स मिलना चाहिए, जी एक्स नहीं मिलना चाहिए, एफ एक्स मिलना चाहिए। तो क्या पाई बाई टू से रिप्लेस करने पर साइन एक्स मिला? नहीं मिला। तो सर ये पीरियडिक फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा, हमें तो वापस क्या चाहिए? साइन एक्स। तो हमने पाई से रिप्लेस किया, वो गलत हो गया, पाई बाई टू से रिप्लेस किया वो गलत हो गया। इसके बीच में रिप्लेस करेंगे तो और भयानक जाएगा। अब मैं किससे रिप्लेस करके देखता हूँ? पाई से। तो अगर मैंने पाई से रिप्लेस किया, आराम से समझना, ये पहले सवाल में इतनी रामायण कर रहा हूं मैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा ना। शुरू में आपको थोड़ा बोल रहा हूं ना, 5-10 मिनट तो रखना पड़ेगा आपको। साइन एक्स प्लस पाई, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 पे, तो पाई पे, तो पाई पे तो साइन का क्या रहेगा? साइन एक्स ही रहेगा, ये कंफर्म हो गया। हाँ साइन एक्स आ गया, पर पाई प्लस एक्स पे, पाई में कुछ जोड़ा तो कहाँ पहुँच गया? थर्ड में, और थर्ड में तो कौन पॉजिटिव होता? टेन एक्स और कॉट एक्स, बट किस्मत बुरी यहाँ पर कौन आ गया? साइन एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अच्छा तो माइनस साइन एक्स आ गया, काश साइन एक्स आ जाता तो ये पाई क्या हो जाता? पीरियड हो जाता। बट अभी यहाँ पर क्या आया, क्या आया आपका, आया क्या आपका, क्या आ गया? माइनस आ गया ना, माइनस आ गया। हमें क्या चाहिए? मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी को, एक्स को अगर एफ एक्स एक्स प्लस टी से रिप्लेस करो तो माइनस एफ एक्स मिलना चाहिए, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। मुझे तो क्या ढिट्टो एफ एक्स मिलना चाहिए, तो पाई से रिप्लेस करने पर भी मिला। सर ये भी क्यों नहीं रखे? अरे नहीं होंगे, वो तो ओरल दिख रहा है ना, इतना तो मतलब विदाउट लॉस जनरलिटी अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं ना देख के। अगर यहाँ 3π/2 से रिप्लेस करता हूँ अगला नंबर, तो 2π आएगा, सॉरी 3π/2 से रिप्लेस करूंगा तो 3π/2 से रिप्लेस करने पर क्या आएगा? 3π/2 पर तो और कॉस हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2π से रिप्लेस करता हूँ तो क्या होता है? कॉस आ जाएगा, साइन मतलब कॉस। 2π से रिप्लेस करता हूँ तो 2π पर क्या रहता है? यहाँ पर एक्स एक्सिस पर साइन का क्या रहता है? साइन एक्स, है ना। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो तो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट में।
तो 2π में कुछ 8 किया, तो यहां तक 2π होता है, उसमें कुछ 8 किया, मतलब कहां पहुंच गए, फर्स्ट। और फर्स्ट में सारे के सारे क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। हाँ, तो एक्स प्लस 2π साइन एक्स में एक्स प्लस 2π से रिप्लेस किया तो वापस क्या आ गया, साइन एक्स। मतलब टी इक्वल्स टू 2π इसका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल पीरियड। तो साइन एक्स क्या पीरियडिक फंक्शन है? हाँ है, क्योंकि किसी एक्स प्लस टी से रिप्लेस करने पर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो पीरियडिक फंक्शन है। तो पीरियड कितना है, वो खुद टी, तो टी कितना आ गया इस बार 2π। तो साइन एक्स को 2π से रिप्लेस करने पर क्या आ रहा है, वो सेम दे रहा है, तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या कहलाएगा, 2π। ये तो मैथमेटिकली बता रहा हूँ, है ना, बिल्कुल अपन डायरेक्ट पुट करके देख रहे हैं ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं सब टाइप कंप्लीट करूंगा भाई, थोड़ा पेशेंस लगा के देखना, है ना सारे टाइप्स कवर होंगे, टेंशन मत लो। तो पहली चीज मिल गई कि साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड आएगा हमारा 2π, है ना। हाँ सर, तो अब जैसे क्या लेते हैं, नेक्स्ट टेन एक्स, तो अगला हमारा फंक्शन कौन सा भाई, इक्वस टू, जैसे एफ एक्स इक्वस टू लेते टेन एक्स। तो जैसे अभी हमने साइन एक्स में चेक किया, वैसे हम किस में चेक करेंगे, टेन एक्स। तो पीरियडिक फंक्शन की कंडीशन क्या है कि टेन एक्स में ऐसा क्या पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करूं कि मुझे वापस क्या मिल जाए, टेन एक्स। ठीक है सर, तो इसका भी वही बना के देखता हूं। तो यहां पर कौन आएगा, जीरो, यहां पर कौन आएगा, पाई बाई टू, यहां पर कौन आएगा, पाई, यहां पर कौन आएगा, 3π/2, एंड लास्ट वन यहां पर कौन आएगा, अगेन 2π। इस साइकिल चलती रहेगी। तो वहां पर, यहां पर ही मैंने सबसे पहले किससे रिप्लेस किया, टेन एक्स को। टी को जीरो तो रिप्लेस कर नहीं सकते, जीरो से रिप्लेस करेंगे वापस टेन एक्स आ जाएगा, पर मैंने बोला टी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सपोज मैंने पाई बाई टू से रिप्लेस किया, सर पाई बाई फोर से रिप्लेस करो, तो टेन एक्स प्लस पाई बाई फोर, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, मतलब भयानक हो जाएगा, दूर दूर तक टेन एक्स नहीं आएगा, है ना, भरोसा रखो आप, रख के देखो पाई बाई फोर, है ना। हमने रखा पाई बाई टू, पाई बाई टू रखा क्या आएगा, एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू कितना आएगा, टेन एक्स, है ना। तो टेन एक्स प्लस पाई बाई टू से रिप्लेस किया तो टेन 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, टेन 90 पे तो बंदा क्या हो जाता है, चेंज, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉट आ जाएगा ना, माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 प्लस पे साइन पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर टेन है, तो टेन एक्स प्लस पाई बाई टू कितना आएगा, माइनस कॉट एक्स, है ना। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इतनी नन्नी मुन्नी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी, है ना, और नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ाएंगे, पर समय लगेगा, है ना, हम आराम से हर एक टॉपिक को बहुत ढंग से कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि चार लेक्चर बना के छोड़ दिए, नहीं 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 नहीं, पूरा बिल्कुल जीरो से अप टू एडवांस लेवल तक ही पढ़ाएंगे ना, जैसा बोल रखा है ना वैसा काम करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब अगला हम जैसे, तो अगला क्या आएगा, पाई बाई टू, उसके बाद मैंने किससे रिप्लेस करके देखा, पाई से रिप्लेस करके देखा, तो पाई पे तो क्या रहता है, टेन का क्या रहेगा, टेन एक्स। अब आगे आएगा प्लस की माइनस, ये तो डिपेंड करेगा, तो पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, यहां पर भी टेन है, तो आंसर कैसे आएगा, प्लस। हाँ, तो सर इसमें तो पाई रिप्लेस करने पर ही टेन एक्स आ गया, हाँ, तो यहां पर फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, पाई आ जाएगा। पहली बात तो किसी नंबर से रिप्लेस करने पर वापस आ रहा है, मतलब कैसा फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, अब उसका पीरियड क्या होगा, जिस नंबर से आपने रिप्लेस किया, तो टेन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा ना। एक और काम की बात यहां पर, जैसे अगर मैं टेन एक्स को 2π से रिप्लेस करता, x प्लस 2π से रिप्लेस करता, तो 2π पर 10x चेंज होता है क्या, 2π वाली मतलब x एक्सिस पर चेंज नहीं होता है, तो यहां पर भी कौन रहेगा, 10x ही रहेगा, और 2π प्लस कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट, और फर्स्ट में सारे बच्चे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव, तो यहां पर भी तो 10x आ रहा है, हाँ, तो 2π से रिप्लेस करने पर भी क्या मिल रहा है, 10x, पाई रिप्लेस करने पर भी क्या मिल रहा है, 10x, पर हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो फंडा, इसलिए मैंने यहां बोला था कि हमने हमें हमको लेना क्या है, स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है जो रिप्लेस करने पर वापस वही दे रहा है, पाई, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना कहलाएगा, पाई। तो सिर्फ 2π भी होगा क्या पीरियड, 2π भी पीरियड होगा, पर उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, हम हमेशा किसकी बात करेंगे, फंडामेंटल पीरियड की। ठीक है सर, तो यहां से क्या मिला कि 10x का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, पाई। सिमिलरली आप किसका चेक करके देखोगे, कॉस का, सिमिलरली किसका चेक करोगे, कॉसेक का, खुद से चेक करके देखो आपको मिल जाएंगे। जैसे कॉट का क्या होगा, कॉट का कितना आएगा, 1 अपॉन कॉट कौन होगा, 1 अपॉन 10x, अरे fx इक्वल्स टू कॉटेक्स कौन होगा, जाने अनजाने में कॉटेक्स को लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 10x, तो हमें कौन मिलना चाहिए, वापस क्या मिलना चाहिए, 10x। तो अभी बताते कि 10x में क्या रिप्लेस करूँ कि वापस 10x आ जाए, पाई, तो यहां पर भी क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, x को x प्लस पाई से, तो 1 अपॉन 10x प्लस पाई आ जाएगा, और 10x प्लस पाई हमें क्या देगा, अगेन 10x देगा, और 1 अपॉन 10x अगेन क्या दे देगा, कॉट एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी से रिप्लेस किया तो
टीकोन आ गया, यहाँ पर पाई आ गया, तो वापस कौन मिल गया हमें, कॉर्टेक्स मिल गया। तो कॉर्टेक्स का फंडामेंटल पीरियड भी क्या आएगा हमारा, पाई। ऐसे आप किसको चेक कर सकते हो, कॉस को, कॉस का मिलेगा आपको 2 पाई, ऐसे कर करके देखो आराम से। फिर आप किसको चेक करोगे, कॉसेक, उसका भी कितना मिलेगा आपको 2 पाई मिलेगा, सेक का भी कितना मिलेगा 2 पाई, और बाकी टेन और कॉट का कितना मिलेगा पाई, ठीक है। अब मैं आपको एक काम की बात बता दूं, ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, हमारे अभी पूरे मैथमेटिक्स में केवल दो ही टाइप के पीरियोडिक फंक्शन है, एक कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे पीरियोडिक फंक्शन है जैसे मैंने अभी बता दिया, एंड एक और पीरियोडिक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्यों है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसमें मैं काम करूंगा, आराम से बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर है ना, बहुत आराम से काम करेंगे, ठीक है सर। आपको पेशेंस से, अच्छे से, पूरी शिद्दत से, दम लगा के, मेहनत करके समझना है भैया, बनेगा बनेगा बनेगा, बोल रहा हूं ना, बनेगा भाई, फंक्शन ढंग से बनेगा। फंक्शन क्या, जितने चैप्टर हम पढ़ा रहे उतने सब बनेंगे, बस आपको इत्मीनान से सुनना है, प्रैक्टिस करना है, खूब जम के मेहनत करना है, डाउट पूछना है, बिल्कुल दिन भर लगे रहना है, सब बनेगा भाई, पक्का बनेगा, ठीक है सर। हम करवा चुके, ये सॉल्व करके बच्चे गए हैं IIT में, भरोसा रखे, ठीक है सर। ये जो हम जितना सॉल्व कर रहे उसको सॉल्व करके बच्चे IIT में गए हैं, कोई ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल हवा, बिल्कुल अलग से IIT के लिए बच्चे आते हैं, अलग से आते हैं, अलग से तैयारी करते हैं और अलग ही मतलब IIT में जाते हैं, बाकी जो बच्चे रहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं 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 सबके लिए भाई मेहनत है बस। जो मेहनत कर गया, सही गाइडेंस मिल गया, स्मार्ट वर्क कर गया, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर गया, वो खेल जाएगा गेम में। बाकी जो बिल्कुल पागल जैसे लगा है, कोई उसकी कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना। तो शेड्यूल बनाए, लगे रहे, है ना, बनेगा, सब कुछ बनेगा, बिल्कुल जम के मेहनत करना अपने को, ठीक है सर। तो अब मैं इनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, टेबल में बना देता हूँ कि इनका सबका पीरियड क्या है, ठीक है सर। हाँ सर, तो जैसे हमने क्या क्या, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फंक्शंस, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, उसका फंडामेंटल पीरियड, है ना। तो फंक्शन क्या है, जैसे साइन एक्स है, तो उसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई, ये कैसे आएगा मैंने बता दिया। कॉस एक्स, इसका कितना आएगा 2 पाई, सेल्फ वेरीफाई करो, कॉन्फिडेंस आएगा। टेन एक्स का कितना होगा पाई, कोटेक्स का भी कितना होगा पाई, कॉसेक एक्स का भी कितना होगा 2 पाई, एंड लास्ट वन सेक एक्स का कितना आएगा 2 पाई, है ना, ठीक है सर। और एक और आएगा लास्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इतने ही पीरियडिक फंक्शन, इसका पीरियड आएगा 1। ये कैसे आएगा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, इसको एक्सप्लेन क्या करो, खुद से देख लो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में ऐसे किस नंबर टी से रिप्लेस करूं कि वापस मुझे क्या मिल जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या हमें प्रॉपर्टी पता है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मतलब एन अगर इंटीजर से, एन कैसा नंबर है, इंटीजर है, तो वापस क्या मिल जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फिर तो ये हर एक इंटीजर के लिए क्या आ जाएगा, हर एक इंटीजर के लिए क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही आ जाएगा। पर हमें टी कैसा चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो पॉजिटिव हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हो। तो अगर 1/2 से रिप्लेस करते हैं तो ये वापस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं आता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कब देता है, ये प्रॉपर्टी है, स्टार बना के रख लेना, अगर नहीं लिखाई हो तो बिल्कुल समझ लेना ना, कि जैसे ग्रेटेस्ट में क्या होता था, एक्स प्लस एन, एन बाहर आ जाता था, याद करो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में एन को खा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, बिल्कुल कच्चा चबा जाता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बचता है, याद रखना है ना। तो हमें क्या रखना है कि एन सबसे क्या रखना है, टी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एन का काम कौन कर रहा है, टी काम कर रहा है, और एन कैसा है, इंटीजर है, और इंटीजर कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो सबसे पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले क्या मिलेगा, 1। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, 1। ऐसे नहीं समझ में आया तो इनके बचे हुए जैसे सेक एक्स के नहीं समझ में आया, टेंशन मत लो। मैं इसको अब किससे बताने जा रहा हूँ, ग्राफिकली, कि ग्राफिकली किसी भी फंक्शन का हम पीरियड कैसे बताएंगे। अभी हमने कैसे सीखा, जैसे हमने ऑड और इवन में सीखा था, ऐसे एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखा था, यहाँ पर किससे रिप्लेस करके देखा, एक्स प्लस टी से रिप्लेस करके देखा। फिर हमने पीरियडिक उसमें ऑर्डर इवन में क्या सिखाया था, ग्राफिकली कैसे बताना है। अब यहाँ पर भी हम किससे बताएंगे कि ग्राफिकली किसी फंक्शन को कैसे बता पाएंगे कि उसका पीरियडिक है या नहीं है, और अगर वो पीरियडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, है ना सर। ये हमने ऐसे मैथमेटिकली देखा, ठीक है सर। ये एक्स प्लस टी से रिप्लेस करना, ये डेफिनेशन है ना, इस पर शक नहीं करना आपको, डेफिनेशन पर शक नहीं करना, हम बार बार बोल रहे, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं ग्राफिकली कैसे चेक करना है पीरियडिक फंक्शन है या नहीं है, है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम क्या देखेंगे ग्राफिकली। अभी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत लाइटिंग कुछ चेंजेस लगा होगा, है ना, जो अभी मैंने जो इसके पहले के जो भी मैंने बनाया था ग्राफ के पहले तक, अभी जो मैं जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके पहले तक का जो बनाया था वो थोड़ा दिन में बनाया था, मैं रात को शूट कर रहा हूँ कुछ थोड़े टेक्निकल इशू की वजह से, तो लाइट में हल्का फुल्का आपको, बट मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है सर। खैर,
तो अब हम किस क्या करेंगे, ग्राफिकली कैसे चेक करना उस पर काम करें ना, ग्राफिकली। तो जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, हमें पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है। हाँ सर पता है कितना होता है, फंडामेंटल पीरियड कितना होता है साइन एक्स का, 2 पाई। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2 पाई। इसका ग्राफ, ग्राफ भी इसका बच्चा बच्चा जानता है, और हम बार बार बोलते हैं आपको कि ग्राफ दिन में सुबह शाम टेबलेट जैसे लेना आपको, 2 बार सुबह 2 बार शाम को, है ना, तो ही ग्राफ आपको पचेंगे, तभी आप इस ग्राफ की बीमारी से छुटकारा पाएंगे। आपको कैसे लेना है ग्राफ को, टेबलेट जैसे, सुबह खाने खाने से पहले 2 बार ग्राफ बना लिए, साइन के बना लिए, खाना खाने के बाद कॉस का बना लिए, ऐसे आपको बनाते रहना फ्रीक्वेंटली, है ना। उनकी डोमेन रेंज क्या है, उन पर वैल्यू क्या क्या आती है, पाई पर 0 होता है, 3π/2 पर -1 होता है, 2π पर 0 होता है। खैर, तो ये हमारा किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। मैं क्या चाहता हूँ कि ग्राफिकली कैसे बताएंगे, हमारा टाइटल क्या है कि ग्राफिकली कैसे बताएंगे कि कोई सा फंक्शन पीरियडिक है या नहीं है, और अगर ग्राफ दिया है तो उसका, अगर पीरियडिक है तो पीरियड कैसे चेक करना। तो जैसे इस साइन एक्स की खूबी क्या है, 0 पर भी 0 दे रहा है, पाई पर भी 0 रिपीट वैल्यू कर रहा है, 2π पर भी क्या दे रहा है, 0। तो 0 से पाई में कुछ ग्राफ बना है, उतना ही ग्राफ पाई से 2π बना है पर नेगेटिव बना है। तो मैं ऐसा बोलूं कि 0 से पाई में जितना ग्राफ बना है उतना पाई से 2π में बना है, हाँ बना है, बट सेम नहीं बना है। इसमें क्या बना है पॉजिटिव, इसमें क्या बना है नेगेटिव। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि 0 से 2π में कैसा बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर मैं बोलूंगा 2π से 4π में वैसा ही बना है ग्राफ क्या, जैसा 0 से 2π में है, तो आप क्या बोलोगे, सर 0 से 2π में जैसा बना वैसा का वैसा, 0 से क्या है किसमें, 4π में, सर इसमें थोड़ा ज़्यादा बना है। इतना दिमाग मत लगाना ना, ये मतलब सेम टू सेम है, ठीक है सर। ये कुछ क्योंकि ये हल्की फुल्की मिस्टेक हो सकती है ग्राफ बनाने में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखो, 0 से स्टार्ट हुआ, कुछ पॉजिटिव बना, फिर नेगेटिव आया, फिर वापस 2π से और कुछ पॉजिटिव बना, फिर नेगेटिव है। मतलब इतना ग्राफ, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, तो इतना ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला ग्राफ, या 4π पे कट लगा दूँ, इतना ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो बार बार रिपीट होता ना, मतलब पीरियडिक है। मैंने क्या बोला, अगर कोई सा ग्राफ बार बार किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बार बार रिपीट हो रहा है, तो ग्राफिकली वैसे कैसे बताएंगे, वो पीरियडिक होगा। अगर कोई सा फंक्शन x प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करे, तो वो पीरियडिक था। सेम यहां पर अगर कोई सा ग्राफ पर्टिकुलर इंटरवल में पर्टिकुलर डिस्टेंस में बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पीरियडिक। अब क्या है उसका पीरियड कितना होगा, जितने में रिपीट हो रहा है, तो कितनी दूरी है ये 0 से 2π में, 2π डिस्टेंस पे ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, 2π से 4π की दूरी भी कितनी आएगी, 2π। तो साइन एक्स का ग्राफ 2π डिस्टेंस, यहां भी देखो, यहां बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो, एक बार प्लस बना, एक बार माइनस बना, एक बार प्लस बना, एक बार माइनस बना, एक बार प्लस बना, एक बार माइनस बना, तो ये भी डिस्टेंस कितनी आपकी, 2π ही डिस्टेंस है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ 2π डिस्टेंस पे बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, कैसा होगा, पीरियडिक होगा। तो ग्राफिकली कैसे बताएंगे पीरियडिक, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पीरियडिक फंक्शन पे हम आज बहस कर रहे हैं, है ना, क्या किस पे काम करें, पीरियडिक फंक्शन पे। तो कोई सा फंक्शन पीरियडिक कब कहलाएगा, जब उसका ग्राफ कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में बार बार रिपीट हो, एंड जो रिपीटेड जितने लेंथ में रिपीट हो रहा है, जो डिस्टेंस होगी वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। तो मैंने तो ऐसे भी बता दिया था कि साइन एक्स का पीरियड कितना था, 2π, और ग्राफिकली बता दिया, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है सर। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, विद फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा उसका, 2π, क्योंकि 2π डिस्टेंस पे बार बार रिपीट हो रहा है। अब ध्यान से रखना, 0 से 4π में देखो, 0 से 4π में क्या बन रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 2 बार प्लस आ रहा है, 2 बार माइनस आ रहा है। अब 4π से 8π में भी ऐसा ही बनेगा क्या, जितना ग्राफ 0 से 4π में बना है उतना ही ग्राफ 4π से 8π में बनेगा, हाँ 4π से 8π में भी 2 बार प्लस आएगा, 2 बार माइनस आएगा। तो ये तो 4π डिस्टेंस में भी रिपीट कर रहा है, अगर ऐसे देखें तो, हाँ 4π डिस्टेंस पे भी रिपीट कर रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो साइन एक्स प्लस 4π भी कितना होगा आपका, साइन एक्स प्लस 4π भी कितना होगा, 4π तो होगा, साइन एक्स प्लस 4π भी क्या होगा, 4π, मतलब साइन एक्स प्लस टी इक्वल, सॉरी 4π नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, साइन एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस टी इक्वल टू कितना आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, मतलब टी कितना, 4π भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, 2π भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा था, याद करो पेज पलटा के देखो, स्मॉलेस्ट, इसलिए हमेशा क्या लिखना है, छोटा डिस्टेंस, वो वाला छोटा डिस्टेंस जहाँ पर ग्राफ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता है, वही क्या कहलाता है, फंडामेंटल पीरियड। आपको कंसेप्ट समझ में, ठीक है, कंसेप्ट समझना है। अब आप मन से cos x, tan x का और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बनाओ, क्या बोला मैंने, cos x का ग्राफ बनाओ उसका फंडामेंटल पीरियड चेक करो, tan x का बनाओ उसका फंडामेंटल पीरियड चेक करो, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बनाओ उसका फंडामेंटल पीरियड चेक करो। मैं बना रहा हूँ, ठीक है, पहले आप बना के रख लो, फिर आपको वीडियो देखना है। हाँ सर, तो अब हम क्या देखते हैं, cos x का फंडामेंटल पीरियड चेक करते हैं ग्राफिकली। आई होप आपने कर लिया होगा। तो y इक्वल्स टू cos x, तो अब मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूँ।
ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है सर। तो कॉस एक्स का ग्राफ भी वही सुबह शाम टेबलेट के जैसे लेना आपको। ये किसका ग्राफ है? कॉस एक्स का, है ना। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर क्या आता था पाई बाई टू, यहां पर क्या होता था पाई, और यहां पर क्या आता था थ्री बाई बाई टू, और यहां पर क्या आएगा टू पाई। तो इतना मार देखो, इस ऊपर से स्टार्ट हुआ, वापस ऊपर खत्म हो यहां पर, अब यहां से अगेन स्टार्ट होगा। तो ये दूरी कितनी आ रही है देखो, टू पाई डिस्टेंस पे बार बार ग्राफ रिपीट हो रहा है। इधर भी बनेगा अगर ध्यान से देखोगे ऐसे कुछ, तो यहां भी कितना आएगा माइनस टू पाई आएगा। तो वही ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सेम डिस्टेंस पे बार बार रिपीट कर रहा है, वापस यहां गया, तो कितनी दूरी आएगी वापस, कितनी आएगी ये दूरी कितनी आएगी अगेन वापस कितनी आएगी टू पाई। तो कॉस एक्स भी टू पाई डिस्टेंस पे बार बार रिपीट हो रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है, इसलिए कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड भी कितना आएगा टू पाई। और ऐसे भी देखोगे तो कॉस एक्स प्लस टू पाई कितना आएगा कॉस एक्स, आप ऐसे भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, बहुत सारे मेथड से, आपको बस समझना है, ठीक है सर। तो ये हमारा है कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा टू पाई। अब मैं बनाता हूं टेन एक्स, आपने टेन एक्स का ही बना लिया होगा। हम बस ग्राफिकली बताना चाह रहे, जितने इंटरवल में ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है फंडामेंटल पीरियड। सब आसान है, पीरियडिक फंक्शन बहुत आसान है, मैंने बोला ना अब सारे फंक्शन आसान है, है ना, जितना भी टफ था चले गया। तो जो 1112 था ना वो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है, फिर भी आप है ना उसको बार बार पढ़ा करो। यकीन मानो जितनी बार आप कॉपी को देखोगे, क्लास के क्वेश्चन को लगाओगे ना, आपको नए नए और फंडे खुद से निकल आएंगे, है ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद से समझ में आएगा अच्छा हाँ ये ऐसे, अच्छा है ऐसे, खुद से समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, खुद से और ढूंढना है, और ढूंढना है, बार बार पढ़ते रहना। जो आपको टफ सेक्शन लग रहा ना फंक्शन में, उस पेज को स्टार बना दो, तीन चार दिन तक उसको पढ़ो पढ़ो, रट्टा नहीं मारना है, पढ़ो तो ऑटोमेटिक लगेगा ये तो आसान है, गारंटी इस बात की। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जब हम मतलब स्टार्टिंग में पढ़ाने लगे थे तो हम कुछ चीज़ देखते थे कि यार ये इसको कैसे फील कराना, कैसे फील कराना, तो उसको बार 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 सोते जागते उठते कि कैसे एक्सप्लेन करना है, तो एक टाइम बाद फिर अच्छा हाँ फिर खुद से ही समझ में आ जाता है। तो आप भी ऐसे पढ़ के देखो, है ना, हम बता रहे थे ना, हमने लास्ट क्लास में बताया था, अगर जब अभी हम क्लास लेते हैं और हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस रखनी है, तो हमको लगता है अरे यार ये तो नया कंसेप्ट है, तो नया कंसेप्ट है, जबकि हम वही चीज़ बार बार देख रहे हैं। तो आपको तो कॉपी देखना ही है, आप जब क्वेश्चन लगाते होंगे ना, तो आप अगर एकदम से एक बार कॉपी पढ़ ली फिर क्वेश्चन लगाने बैठे, क्वेश्चन लगाते लगाते फिर एकदम से अटक जाओ ना, थोड़ा सोचो, पैनिक होने दो दिमाग को, क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, फिर एक्सट्रीम हो जाए फिर देखो, और जब जिस टाइम देखो ना उसको दो तीन बार लिख के रखो, अब ये मिस्टेक नहीं भूलूंगा मैं, ऐसे करो तो पक्का बनेगा, फिर आप भूलोगे नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं, गारंटी इस बात की, ठीक है सर। तो अब मैं बनाता हूं, जैसे y इक्वल्स टू बी किसका बना रहा हूं टेन एक्स का, सिंपल है टेन एक्स भी, है ना, टेन एक्स का भी काम कर चुके अपन टेन एक्स पे, तो ये ऐसा टेन एक्स का बनता है आई थिंक, है ना सर। ये कैसे बनता है मैंने कोशिश तो पूरी की एक्सप्लेन करने की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना। खैर आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इलेवंथ क्लास है, जीरो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर पाई, यहाँ पर थ्री पाई बाई टू। अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, इतना पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये दूरी कितनी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, तो कितना दूरी है पाई दूरी है, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, ये भी कितना डिस्टेंस है पाई डिस्टेंस पे। तो टेन एक्स का ग्राफ पाई डिस्टेंस पे बार 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 रिपीट हो रहा है। अगेन जब हम यहाँ बनाएंगे फाइव पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू के बीच की भी कितनी डिस्टेंस आएगी पाई डिस्टेंस आएगी, यहाँ पर कौन रहेगा टू पाई। तो टेन एक्स का ग्राफ इतना बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए तो हमने वैसे भी चेक किया था कि टेन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है पाई। तो टेन एक्स का ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं कि पीरियड क्या होगा, और नॉर्मली टेन ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल्स टू टेन एक्स, इससे भी बता सकते हैं बहुत सारे मेथड से। अभी हम किस पे काम करें, केवल ग्राफिकली मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं कि पीरियडिक फंक्शन कैसे फाइंड करना है, बाकी हर बार अपन ग्राफ बना के नहीं देखेंगे, मत टेंशन लो, है ना। पीरियडिक फंक्शन थोड़ा लेंथी है, आसान समझने में आसान है, जैसे ऑड इवन भी आसान है, बट थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना, और जितना बताए ना भैया नहीं बाहर जाएगा, ट्रस्ट मी, आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, अगर आप देख रहे हैं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा नहीं करोगे फिर आप शक रखोगे कि यार पता नहीं इसके अलावा आ गया, तो नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। बस प्रैक्टिस करो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से नया नया निकलेगा, है ना। आपको केवल ऐसा थोड़ा मैं सब कुछ बता दूंगा तो बिल्कुल कर लोगे, थोड़ा खुद से भी मैं कहीं गाइड कर रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे डील करना है, है ना। मैं कोई ऐसा तो नहीं बता कि मैं पेपर देख के आ गया जेई एडवांस का या जेई का, नहीं यार पेपर बना रहा हूँ, नहीं मैं मेरे पुराने अनुभव से मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और इनको ऐसे डील करना है, और इतने थ्योरी में काम हो जाएगा, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर। मतलब इतने में काम हो जाएगा, मोर देन सफिशियंट है भैया, कोई लगाने की जरूरत नहीं, यू नीड ओनली प्रैक्टिस, ठीक है सर। हाँ तो ये टेन एक्स का बताया, अब मैं बताता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ सर, तो अब हम क्या बनाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को चेक करते हैं।
तो जिससे आ गया वाई इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका फंडामेंटल पीरियड मैंने बता दिया था वैसे वन है ना, मैं इसको ग्राफिकली बताना चाह रहा हूँ। तो ग्राफ आपको याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है ना, किससे ग्राफ था, ऐसे ग्राफ था आई थिंक है ना, ये बना चुके बच्चों है ना यार, अपन अब बार बार यही ग्राफ फिर से सिखाने लग गया तो मतलब कैसे चलेगा काम है ना। तो जीरो से वन में जितना ग्राफ बनाए ऐसा, वन से टू में भी वैसे ही बनाए, टू से थ्री में वैसे बनाए, तो वन डिस्टेंस पे बार ग्राफ जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना। माइनस वन से जीरो में भी ग्राफ ऐसे ही बना है ना, तो वन डिस्टेंस पे ग्राफ बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हेंस इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, ये वन नहीं देता है इसलिए वन पे ओपन है। तो ये बार बार ग्राफ रिपीट हो रहा है, बार बार ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, वन। एक और तरीका क्या, मैंने क्या बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स प्लस एन पर कितना देता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यही होता है। अगर नोट नहीं किया तो फिर नोट कर लो, और बता दे रहे हैं है ना। जहां पर एन क्या होता है, इंटीजर्स, जहां पर एन क्या होता है, इंटीजर्स। तो हमें क्या रखना है, हमें एक्स प्लस टी से रिप्लेस करना है, इक्वल्स टू कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और हमें वापस एफ एक्स ही चाहिए। तो वापस एफ एक्स चाहिए मतलब ये पक्का हो गया, टी कैसे रखना है, इंटीजर रखना है। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, वन आएगा, इसलिए वन आ रहा है, ठीक है सर। हैंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, वन। ये हमने कैसे चेक किया, ग्राफिकली चेक किया। अब मैं एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको उसका ग्राफ बनाना है और उसका क्या बताना, फंडामेंटल पीरियड। वो साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ से बस दो ही टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन है, एक तो कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक और कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, जो हमने फंक्शन पढ़े उतने में अभी तक। बाकी और नए नए कुछ बना के देगा, उसके पीरियड चेक करना, वो कैसे चेक करना, वो मैं अलग अलग टाइप में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, वहां से आपको 101% आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आपको ग्राफ बनाना है, उसका पीरियड बताना है ना। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफिकली एग्जांपल्स करके देते हैं है ना, इससे और आइडिया लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू के, और जहाँ पर x वेरी कर रहा है आपका 2k से ओपन 2k प्लस वन, ठीक है सर, टू टाइम्स ऑफ k प्लस वन, ठीक है सर। तो और जहाँ पर k इंटीजर्स है ना, k कैसा है आपका, इंटीजर्स है, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो करो इसको ट्राई करो एक बार है, ट्राई करके देखो। अगर ट्राई करके देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ है ना, हिंट दे रहा हूँ, हिंट ये दे रहा हूँ कि यहाँ पर k वेरी कर रहा है, तो आप क्या रखो, k इक्वल्स टू एक बार यहाँ जीरो रख के देखो तो आपको कुछ इंटरवल मिलेगा। कभी भी दो टर्म्स में फंक्शन हमने नहीं पढ़ा, हमने सिंगल फंक्शन पढ़ा है ना, f ऑफ x पढ़ा है ना, कि f ऑफ x कॉमा k, इस टाइप से नहीं पढ़ा हमने है ना। तो k जब आप यहाँ पर पुट करोगे, k इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x जीरो से कितना मिलेगा, k जीरो रखोगे तो जीरो से टू, उस कंडीशन में f ऑफ x कितना आएगा, k इक्वल्स टू जीरो रखा तो रूट एफ एक्स है ना, कितना मिलेगा, रूट एफ एक्स। फिर आप k इक्वल्स टू वन रखो तो आपको f ऑफ x मिलेगा, और उस इंटरवल में ग्राफ बनाओ ना, ग्राफ बनाओ और ग्राफ को चेक करो रिपीट कर रहा है क्या, अगर रिपीट कर रहा है तो पीरियडिक है, जितने इंटरवल में रिपीट कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। ये आप ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो है ना, आई होप आपने वीडियो मतलब पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा ना, अभी मैंने ट्राई किया, अभी वीडियो पॉज कर लो है ना, है ना। अब मैं कर रहा हूँ सॉल्व है ना, आपने कर लिया होगा शायद सॉल्व। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो फिर आपको नुकसान है ना, सोच नहीं पाओगे, फिर आपको क्वेश्चन दिक्कत आएगी कि सर कैसे सोचे, कैसे सॉल्व करें, वो काफ़ी समस्या आएगी ना। तो जैसे मैंने रखा k इक्वल्स टू जीरो, सबसे पहले तो k इक्वल्स टू जीरो रखा तो ये इंटरवल क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू k जीरो रखा तो जीरो से दो है ना, k जीरो रखा तो जीरो इंटू ये जीरो प्लस वन वन, और टू इंटू वन कितना आएगा, टू। तो एफ एक्स कितना मिलेगा उस केस में, k इक्वल्स टू जीरो पर एफ एक्स कितना मिलेगा, रूट एक्स, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। जब आपने k वन रखा तो k वन रखने पर कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है, x आ रहा है टू से, वन रखने पर कितना आएगा, फोर। और यहां पर वन रखा तो एफ एक्स कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ x माइनस टू। जब आपने k टू रखा तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, टू रखा तो फोर, और यहां पर टू रखा तो कितना आएगा, टू प्लस वन थ्री, k कितना मिलेगा, सिक्स। और यहां पर आपने क्या रखा, k इक्वल्स टू टू रखा, कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस फोर। ये कौन आ गया आपका, एफ एक्स। तो अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं ना, है ना। यहाँ तक भी अगर नहीं है तो अब भी ग्राफ बना के देख लो, शायद आपको अकल आ जाए ना, अभी वीडियो पॉज करके एक बार ग्राफ बना लो आप। तो जीरो से टू में कौन है, रूट एक्स। तो रूट एक्स में हमें रूट एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, केवल जीरो से टू तक। तब जब आपने जीरो रखा तो आपको आंसर क्या मिला, जीरो। जब आपने वन रखा तो रूट वन कितना मिला आपको, वन मिला है ना, वन। जब आपने टू रखा, एग्जैक्ट टू रखोगे तो कितना आएगा, वन पॉइंट फोर वन फोर, रूट टू वन पॉइंट फोर वन फोर होता है।
और अगर आप 2 से हल्का सा छोटा रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रूट 2 वैल्यू मिलेगी। ये रूट 2 पे ओपन सर्कल लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रख नहीं रहे हो, 2 का जस्ट पहले वाला नंबर। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। फिर हम क्या रखेंगे, 2 से 4 तक के लिए कौन से ब्रांच हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। जब आपने 2 रखा तो 2 माइनस 2 कितना मिलेगा, 0। सो अंडर रूट ऑफ 0 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डॉट मिलेगा क्योंकि वैल्यू मिल रही है। सेम यू कीप 4, सो 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2, और अगेन अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम 4 से 6 में ग्राफ बना के देखते, 4 से तो 4 रखा तो अगेन कितना आएगा, 0 मिलेगा, और 6 रखने पर अगेन कितना आएगा, रूट 2। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ 2 डिस्टेंस पे बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा मतलब जितनी डिस्टेंस में रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, पीरियड। तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, 2। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिकली कैसे चेक करना है। तो इस टाइप का सवाल भी आ जाए तो मुंह उठा के x को x प्लस t से रिप्लेस करके सॉल्व करने मत लग जाना, है ना। टाइम बनेगा नहीं, एकदम से परेशान हो जाओगे कि कैसे डील करना। आप क्या करोगे हमेशा किस टाइप से कोशिश कैसे सोचोगे कि ग्राफ भी बना के देख ले तो भी आ जाएगा, ठीक है सर। तो हालांकि ऐसे सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तब भी बन जाएगा ना। x को क्या रख दोगे, x प्लस टी माइनस 2k, और इधर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, x माइनस कितना मिल जाएगा, 2k, है ना। यहाँ पर मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया, x प्लस टी से। किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ x के बराबर। स्क्वेयरिंग विस्क्वेयरिंग करोगे वहाँ से भी कुछ समझोगे तो वहाँ से भी बन जाएगा, बट ऐसे दिक्कत जाएगी, इसलिए आप, है ना, इसे ग्राफिकली देख लो तो आसान है। क्योंकि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, ग्राफिकली कैसे डील करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इधर नेगेटिव बनाओगे तब भी ऐसा बनेगा आई थिंक, है ना, क्योंकि 2 पीरियड आ रहा है ना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राफिकली कैसे डील करना है। अब आप खुद से ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो ग्राफिकली, है ना। अब मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा कंसेप्ट, एलसीएम लेना आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि कल की क्लास में ये अब मैं मॉर्निंग में बनाऊंगा ताकि आपको लाइट्स की प्रॉब्लम ना आए। तो क्या करूँगा मैं कि एलसीएम सिखा रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का भी पीरियडिक के ऊपर होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में पीरियडिक का सवाल छूटेगा नहीं आपसे एक भी क्वेश्चन, इस बात की गारंटी है। बस आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं क्या सिखा रहा हूँ अभी, एलसीएम, है ना। एलसीएम तो अगला हेडिंग लिखो एलसीएम, है ना। ये एलसीएम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूज होगा। हाँ सर, तो अब हमारा हेडिंग क्या है, एलसीएम। बस एलसीएम इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में यूज होगा, है ना। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, 2 और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 4, 2 से डिवाइड करते 1, यहाँ पे 2, फिर 2 से डिवाइड करते 1, 1, तो फिर इन दोनों का क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4, है ना। फिर एलसीएम मैंने पूछा, एलसीएम ऑफ 12 और 18, तो कैसे निकालोगे, है ना। एलसीएम, बस एलसीएम निकाल रहा हूँ, एलसीएम सिखा रहा हूँ, है ना, समझ ना, आपको कुछ तो मिलेगा, है ना। एलसीएम 12 और यहाँ पर 18, तो कैसे, 2 से डिवाइड करोगे तो 6, फिर 9, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3, फिर 9, फिर 3 से करोगे तो 1, और 3, फिर 3 से करोगे तो 1 और 1, तो कितना आएगा, 9 और 4, तो 9 चौके 36, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 36। तो इसका एलसीएम कितना आया, 36, और इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, 4। तो एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना आया था, 4, एंड एलसीएम ऑफ 12 और 18 कितना आएगा, 36। नोट, है ना, ये आपको पता होगा, बट फिर भी एलसीएम का मतलब क्या है कि जो एलसीएम आई है इसके मल्टीपल से, मतलब 36 का मल्टीपल 18 आएगा क्या, हाँ 3 times, और 36 का 4 times मल्टीपल क्या आएगा, 12। तो ऐसे भी समझ लो, अगर कोई सा एलसीएम आंसर आया है, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में एलसीएम कितना आया, 36, अगर ये एलसीएम है तो इन दोनों से डिवाइड करोगे, किन दोनों नंबर से, जिन दो नंबर्स का एलसीएम लिया, सपोज कितना एलसीएम आया, एलसीएम आया सपोज एक्स, तो इन दोनों नंबर से जब डिवाइड करोगे, चाहे ए से, चाहे 36 को किससे डिवाइड करोगे, बी से, आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, इंटीजर्स। जैसे ए मतलब कौन, 12, तो 36 upon 12 कितना आएगा, भारतीय 36 आएगा, इंटीजर्स आएगा। यहाँ पर 18 को डिवाइड करोगे तो 18 2 कितना आएगा, तब भी इंटीजर्स आएगा। सेम ईयर यहाँ पर एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 4, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा, इंटीजर्स आंसर आएगा 2, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, इंटीजर्स। खैर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी एलसीएम आंसर होता है, जो आंसर होता है उसको अगर हम जिन नंबर्स का एलसीएम लें उससे अगर डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल होगा, मतलब आंसर इंटीजर आएगा, ठीक है सर। तो ये हमारा था एलसीएम का टाइप 1, है ना, सिंपल एलसीएम जो आपने बचपन में खूब पढ़ रखे हैं ना, खूब पढ़ रखे हैं। और एक नोट क्या लिखा आपने, नोट क्या लिखा कि जो भी एलसीएम है, जिन भी नंबर्स का एलसीएम लिया, मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में,
ए और बी का एलसीएम लिया और सपोज एक्स आया आंसर, तो एक्स को चाहे ए से डिवाइड करो चाहे एक्स को बी से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा, मतलब डिविजिबल होगा, ऐसा लिख दो, डिविजिबल होगा। कैसा होगा? डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा। सेम यहां भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ये काम की बात है ना, हम बिल्कुल बहुत रफली पढ़ा रहे हैं, है ना, ये डिस्टर्ब कर दिया है ना आज का रूटीन पूरा। खैर आपको समझ में आ गया होगा जितना हमने पढ़ाया। हाँ, एलसीएम का टाइप टू। अब एलसीएम इसका आएगा 1/3 एंड 4/7 का एलसीएम क्या होगा, है ना, इस टाइप के रैशनल का, है ना, पी बाई क्यू वाले फॉर्म का एलसीएम कितना आएगा, उस पर काम कर रहे हैं ना। ठीक है सर, तो उसका एलसीएम निकालते हैं। तो मैं आपको नोट लिखा देता हूँ, एलसीएम ऑफ ए बाई बी एंड पी बाई क्यू का एलसीएम। तो ए का काम कौन कर रहा है? 1, बी का काम कौन कर रहा है? 3। यहाँ पर पी का काम कौन कर रहा है? 4, और क्यू का काम कौन कर रहा है? 7। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा एलसीएम ऑफ इन दोनों के न्यूमरेटर, मतलब ए एंड पी, अपॉन डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ बी एंड क्यू। आपको आता होगा बट फिर भी हम लिख रहे हैं ना, क्योंकि बहुत यूज होगा आगे, कल की क्लास में भर भर के यूज होगा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो क्या आएगा? ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। और नीचे वालों का एचसीएफ, तो 3 को क्या लिखोगे? 3 × 1। और 7 को क्या लिखोगे? 7 × 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, तो एचसीएफ कितना है? 1। तो दोनों का एलसीएम कितना आया? 4। तो 1/3 एंड 4/7 का एलसीएम कितना आएगा? 4, है ना, ये याद रखना। कैसे निकाला समझ में आ गया होगा? एक और सवाल लेते, जैसे एलसीएम ऑफ 3/7 और 6/14, है ना, ऐसा ले लो। तो क्या सीखा है? ऊपर वालों का क्या लेना है? एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। और नीचे वालों का क्या लेना है? एचसीएफ, तो 7 को क्या लिखोगे? 7 × 1। और 14 को क्या लिखोगे? 7 × 2। तो हाईएस्ट कितना कॉमन आ रहा है? 7, तो 6/7, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 7। और 14 का एचसीएफ कितना है? 7। और 14 का एचसीएफ है 7। तो इसका एलसीएम कितना आया? 3/7। और 6/14 का एलसीएम कितना आएगा? 6/7। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 6/14 का। ठीक है सर, तो a बाई बी और p बाई क्यू का एलसीएम हमने निकाला है ना। नोट क्या है कि जो आंसर आया, जैसे एलसीएम क्या आया? 4 आया, x एलसीएम आया, तो पहले वाले नंबर से डिवाइड करो, तो 1/3 से डिवाइड किया, तो ऊपर जाके कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 12 आ जाएगा, इंटीजर्स आएगा। अगेन 4 को किससे डिवाइड करोगे? 4/7 से। तो जब 4/7 से डिवाइड करोगे तो अगेन ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7 आया, मतलब आया कैसा? इंटीजर्स। सेम यहाँ पर भी देखो, जो एलसीएम आया x, उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देखो, है ना, डिवाइड करके देखो अगर कितना आएगा। 3/7 से डिवाइड करोगे पहले, तो 3/7 से डिवाइड करोगे, 3 से 7 कैंसिल, 3 से कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, इंटीजर आया। अगेन एलसीएम जो है 6/7, उसको 6/14 से डिवाइड करके देखोगे, तो 6 से 6 गया, 14 ऊपर जाएगा, तो 14/7 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसा, मतलब इंटीजर्स आ रहा है। ये रफली बता रहे, क्यों हम रफली बता रहे ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार, ये एलसीएम सिखा रहे ना, एलसीएम सिखा रहे ना, क्यों? क्योंकि कल यूज होने वाला है ना। तो आपको कुछ अगर नया चीज लगा हो एलसीएम में, तो नोट करके रख लो कि इंटीजर्स आएगा, ए बाई बी और पी बाई क्यू का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, क्योंकि कल बहुत यूज होगा, कल बहुत यूज होगा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ताकि कल की क्लास है ना केवल क्वेश्चंस पे काम करेंगे। कल हमारा पीरियडिक फंक्शन खत्म हो जाएगा, और इतना सफिशियंट है, गारंटी है ना। आपको बस पेशेंस से दोनों लेक्चर पूरे अच्छे से नोट करना है, समझना है, हर एक चीज को नोट करके लगना है कि क्या क्या है, क्या काम का है ना सर। जैसे अब मैंने दिया एलसीएम ऑफ, है ना, समझना मैंने क्यों पढ़ा। जैसे मैं अगर पूछता ना कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता, तो बच्चे क्या बोल देते? 6 सर। हाँ बोल देते, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो अगर यही पूछता ना मैं कि एलसीएम ऑफ √2 एंड √3, तो कितना आंसर बोलता बच्चा? पता है आपको? √6। दोनों का मल्टीप्लाई बोल देता ना। अरे यही तो बोलता शुरू में, तो आपने भी यही सोचा होगा, सोचो जरा, और आपको लग रहा होगा आंसर क्या है? √6 आंसर है क्या? हाँ मुझे भी लग रहा है, बट सही क्या है? ये एलसीएम नहीं है। क्यों एलसीएम नहीं है? क्योंकि जो एलसीएम आया उसको अगर आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा? √3 आएगा, जो कि इंटीजर्स नहीं है, इसलिए तुमने स्टार बनवाया। सेम अगर √6 को आप किससे डिवाइड करोगे? √3 से डिवाइड करोगे, तो √2 आएगा, जो कि इंटीजर्स नहीं है, हैंस ये एलसीएम नहीं है। तो √2 और √3 का एलसीएम √6 नहीं है, तो ये इन दोनों का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एलसीएम होता ही नहीं है सर। ये तो शायद हम पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट ना, ये डन नहीं लिखा, डज नॉट एग्जिस्ट सर, ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं कि एलसीएम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ एलसीएम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एलसीएम ऑफ आ गया √2 और 1, तो आप क्या बोलते थे पहले कि दोनों का मल्टीप्लाई, तो √2 एलसीएम आ जाता? नहीं, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर्स आएगा,
पर रूट टू को 1 से डिवाइड करोगे दूसरे b से तो कितना आएगा, रूट टू आएगा, जो कि इंटीजर्स नहीं है, हेंस इसका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था एलसीएम का फंडा। अगर कल को ऐसा आ जाता कि रूट टू और रूट टू रूट टू, हाँ ये ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, टू रूट टू आएगा, है ना, टू रूट टू आएगा। हाँ तो ये एग्जिस्ट करेगा सर, ये एलसीएम है। क्यों है, क्योंकि टू रूट टू को जब आप रूट टू से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स, और जब आप टू रूट टू को टू रूट टू से डिवाइड करोगे तब आपको भी क्या मिलेगा, वन, मतलब क्या मिलेगा, इंटीजर्स, हेंस ये एलसीएम है। तो इस केस में एलसीएम होगा, तो आप क्या करो कि एक पहले मन से सोच के देख लो, फिर डिवाइड करके देख लो, अगर इंटीजर आ जाए तो एलसीएम कहलाएगा और नहीं होगा तो एलसीएम नहीं कहलाएगा। ठीक है सर, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, एलसीएम तक पढ़ लिया, इतना आप नोट करके रखे, समझ के रखे, कल की क्लास में जितना भी पढ़ा है मैंने सब कुछ यूज होगा, और हम नए नए टाइप्स पढ़ेंगे कि पीरियडिक फंक्शन में पीरियड कैसे प्रूफ करना होता है, कैसे डील करना होता है, क्योंकि पीरियडिक का सवाल दिखता आसान है पर बनता नहीं है, पर हम इतने टाइप पढ़ाएंगे, 2-3 टाइप मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको गारंटीड है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल की क्लास में, पीरियडिक फंक्शन का जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कल की क्लास में हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट शर्त है कि आपको नोट भी करना है, पुराना भी रिवाइज करो, बार 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 हम अगेन बोल रहे हैं, कॉपी बार बार पढ़ना है जो आपको टफ पार्ट लग रहा है। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।